बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी, tamouracademy.com की जन्म से ADS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स की एक और एडवांस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम मूवी ट्रेलर वगैरह किस तरह बना सकते हैं इजीली। बहुत से आप लोगों ने नेट पे, इंटरनेट पे या टीवी पे मूवी ट्रेलर देखे होंगे, क्योंकि कोई भी पहले मूवी रिलीज़ होती है तो उसका ट्रेलर जारी किया जाता है पहले, ताकि लोग देखें। और उस ट्रेलर में ऐसी वीडियो के क्लिप डाले जाते हैं कि लोग जो हैं वो उनको एक तजस्सुस हो कि हमने ये चीज़ लाजमी देखनी है। तो मैं आपको एक दो ट्रेलर दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं। ये मेरे पास एक फॉरे इंग्लिश फिल्म का ट्रेलर है, ये देखिए। आपने ये गौर किया होगा कि यहाँ से ये देखें ब्लैक कलर से ये ओपन हो रहा है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, बाकी आप फिल्म ना देखें। ये देखें ब्लैक चीज़, और ये देखें, मैं बड़ी करता हूँ, और ये देखें दोबारा जो है वो ब्लैक से क्लोज, और ये देखें ब्लैक से क्लोज। यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जो बीच में टेक्स्ट आया था, ये भी आप लिख सकते हैं EDS में ही, लेकिन ये मोस्टली जो है आफ्टर इफेक्ट का काम होता है। ये देखें ब्लैक से क्लोज, और ये टाइटल आ रहा है। उसके बाद न्यू वीडियो, और यहाँ से अब ब्लैक से क्लोज होगी और नया सीन आ जाएगा। ये देखें, ये एक तो मेथड ये होता है। और एक और दो मैं ट्रेलर आपको दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें यहाँ से भी ब्लैक से क्लोज होता है, लेकिन वीडियो के क्लिप चेंज हो जाते हैं। आप ब्लैक से क्लोज किए बगैर भी वीडियो के अगर का आप क्लिप चेंज करते जाएंगे, पूरी अपनी एक जो वेडिंग है या कोई भी आप कोई चीज़ एडिट कर रहे हैं, कोई आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, किसी चीज़ के लिए बना रहे हैं, किसी फिल्मों के आप एक्शन ले लें, तमाम एक्शन मूवी में से मुख्तलिफ एक्शन निकालें और उनको एक वीडियो की शक्ल दे दें। यहाँ से ये देखें, मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से ये ब्लैक से क्लोज होगा, और अब स्टॉप करता हूँ और उसके बाद दोबारा प्ले। ये देखें अब यहाँ से वीडियो चेंज होती रहेगी। ये देखें वीडियो क्लिप चेंज होते रहे, लेकिन ब्लैक से क्लोज नहीं हुई। यहाँ से ब्लैक से फुल क्लोज होगी। एक तो ये तरीका हो गया। एक दो और तरीके दिखा सकता हूँ मैं आपको। उसके बाद आपका माइंड जो है वो वैसे क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि बनाते किस तरह हैं। तो EDS को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फुटबॉल की वीडियो है, इसको ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो चेंज करूँगा। यहाँ से इसको सी से कट कर लूँगा, आपको पता ही है कि कट सी से करना है। उसके बाद ये देखें, अब यहाँ से फर्ज करेंगे मैंने सी से कट कर लिया, यहाँ 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 से भी कट। ये आपने बात याद रखनी कि अगर आपकी वीडियोस को आपने ऑडियो से अनलिंक कर लेना, ये देखें, नहीं तो आपकी ऑडियो इसी तरह टुकड़ों में कट हो जाएगी। हमने तमाम ये चीज़ नोट रखनी है। और उसके बाद ये जो इंसर्ट ओवर मोड है, इसको तो आपने रखना ही ऑफ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे एक मिक्स का बटन होगा, यहाँ से मैं इस ट्रैक को डिलीट कर देता हूँ। इस मिक्स के बटन पे क्लिक करके आपने यहाँ से पेस्टी नोड को यहाँ से ये देखें पकड़ के नीचे कर देना है, और यहाँ से पकड़ के इसको भी नीचे कर देना है। अब यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें, ये देखें ब्लैक से ही वो क्लोज होगी। अब यहाँ से ये फास्ट है, तो इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ से आप इधर करेंगे तो वो थ्रो। अब यही वो पेस्टिनोज यहाँ से मैं पकड़ूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे। ये आप इस तरह बना सकती हैं। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे आपने वीडियो के जो है वो पार्ट चेंज करते जाना है। मैंने एक ही वीडियो रखी है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है, कैसे होता है। आपने वीडियो को गौर से देखना है। ब्लैक सी ऑन होगी और ऑफ होगी, ये देखिए। और यहाँ पे ये देखें, ये फुल कोने में नहीं है। जब आप जूम कर लेंगे अपने कंप्यूटर से तो ये देखें आपको तमाम चीज़ें वाजिया नज़र आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ से आप इजीली इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसको आगे लेके जाएं ताकि थोड़ा सा।
बड़ा हो सके। यहाँ से अब ये देखें, यहाँ से अब छोटा कर लेता हूँ मैं, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को प्रेस करेंगे तो ये देखें, तो इस तरह आप हाईलाइट सॉन्ग या ट्रेलर मूवी ट्रेलर बना सकते हैं। लेकिन अब बंदा कहता है कि उनमें तो ब्लैक स्क्रीन जो है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ से एक ये देखें वी ट्रैक मैं ऐड करता हूँ, सिर्फ वीडियो ट्रैक, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ तो आगे ट्रैक नज़र। यहाँ पे एक राइट क्लिक करके इसको ट्रैक को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके न्यू क्लिप और कलर मैट और यहाँ से ब्लैक ही ऐड करूँगा। अब यहाँ पे मैंने क्या काम करना है, अब यहाँ पे एक हम काम करेंगे, इस ट्रैक को मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद फालतू ट्रैक आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने काम जो करना है, यहाँ से इस ट्रैक को बड़ा करते हैं, ये जो कलर मैट वाला ट्रैक है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से मिक्स, और यहाँ से आपने स्टार्ट में चाहते हैं कि ब्लैक रहे तो ये देखिए इसको इस तरह कर देना। अब ये देखें हमारी वीडियो, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा और इसको ये बैक पे ले आऊँगा और यहाँ से इसको ऑफ, और अब इस स्क्रीन को हम बड़ा करते हैं। अब वीडियो को देखते हैं, ये देखें अब ज़्यादा देर से ब्लैक से ओपन होगी ये। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से कॉपी, और ये जहाँ पे कट है यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, जहाँ जहाँ पे कट होंगे वीडियो के आपने वहाँ पे करते जाना है वो ज़्यादा आसानी से। और ये अब प्ले करके देखते हैं, इस तरह आप ये देखें इजीली काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अफेक्ट जो है आप मूवी ट्रेलर वगैरह बहुत इजी बना सकते हैं। ये तो आपको आइडिया क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से कलर मैट जो है वो आप वाइट भी रख सकते हैं, कोई भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। वो पेस्टी नोट को ही ज़्यादा खींच के बड़ा कर लें और वीडियो में थोड़ा सा फासला अगर दे लें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये वीडियो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ और इसका एंड जो है वो थोड़ा सा और कर दूं ताकि वो बंद हो और थोड़ा गैप मिल जाएगी, देखें। लेकिन ये देखें ये ज़्यादा देर है तो इसके साथ रखें। तो इस तरह आप मूवी ट्रेलर इजी बना सकते हैं। आपने अगर इसी के ऊपर यहाँ पे टाइटल लगाना है तो वो एक और ट्रैक ऐड करके यहाँ से वीडियो ट्रैक ऐड करें और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ से क्विक टाइटलर में टाइटल लिख सकती हैं इजीली। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें टाइटल लिखना चाहते हैं। मोस्टली जो है वो टाइटल जो फिल्मों के टाइटल होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट में काम हुआ होता है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट ही है, उसमें कंपोजिटिंग फिल्मों की जाती है, उसमें इफेक्ट बनाए जाते हैं। उसके बारे में इनशाला आपको कोर्स मिल जाएगा कुछ दिनों तक तैमूर अकेडमी पे और ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम पे, आप उसको ईजीली देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर इफेक्ट क्या चीज़ है और उसको किस तरह यूज़ किया जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी ट्रेलर बनाने के बारे में पता चल चुका होगा। और जो एक और चीज़ मैं कह रहा था कि इकट्ठी वीडियो रखी जाती है, अब यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं सी से कट कर लेता हूँ इस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, यहाँ से एक पार्ट और उसके बाद यहाँ से और यहाँ से पार्ट। अब इन तीनों पार्टों को यहाँ से मैं सॉरी इसको उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा और इसको उठाऊंगा सॉरी यहाँ से, मैं क्योंकि पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से उठा के यहाँ पे और इसको भी उठा के यहाँ पे। तो इस तरह अब इन पे मैंने वो ब्लैक वाला काम नहीं किया, इनकी जो खुद ब खुद जल्दी से इनकी जितना छोटा करते हैं जाए जल्दी से वीडियो चेंज होती जाएगी। ये यहाँ पे इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें
ये तो इस तरह आप आधा इसको यूज़ करें, आधे को ब्लैक, फिर इसको एंड से ये देखें, यहाँ से अगर ब्लैक करना है तो यहाँ से इसको डाउन कर दे ताकि ब्लैक से ख़त्म हो जाए ये देख। ये तो इस तरह आप मूवी ट्रेलर कोई भी चीज़ इससे क्रिएट कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि मूवी ट्रेलर ही आपने क्रिएट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।